हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान क्रिस्पी चिकन पकोड़ा। इसके लिए हम लेंगे 250 ग्राम बोनलेस चिकन और इसको हम मैरिनेट कर देंगे। मैरिनेशन के लिए हम डालेंगे नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और एक टीस्पून लेमन जूस और इसको अच्छे से मिला देंगे और मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, बेसन और चिकपी फ्लावर और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में तेल गरम कर लीजिए और वन बाय वन चिकन ऐड करेंगे और चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन को हम बैचेस में फ्राई करेंगे और हर बैच को हम फ्राई करेंगे 6 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। अब ये दूसरा बैच फ्राई करेंगे। हमारा क्रिस्पी चिकन पकौड़ा तैयार हो चुका है। ये एक बहुत इजी रेसिपी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।